काफी बच्चे जो है गाने देखो कितने जोरों शोरों से बज रहे हैं। करने तो फाटिया थैंक यू सो मच। क्रिसमस आने वाले हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से देख रहे हो 2023, कितने सॉन्ग गाएंगे आपके लिए? देखो मैं ऐसा प्लानिंग नहीं करती हूँ ना, कोई रेजोल्यूशन कुछ नहीं लेती हूँ, जैसा जाएगा विल गो विद द फ्लो, विल डू आवर बेस्ट, विल ट्राई आवर बेस्ट टू एंटरटेन यू ऑल एंड या दैट्स ऑल। बहुत सारा कुछ लाइनअप है एंड वो जो कुछ है वो धीरे धीरे सरप्राइजेस आते रहेंगे, ऐसे पहले नहीं बता रहा हूँ। मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ, प्रियंका इज देयर, शी इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, सो ऑफ कोर्स आई एम फॉलोइंग। बहुत अच्छी, हमेशा से मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो लोग पहले भी ऐसे ही थे, अभी बिल्कुल ऑन स्क्रीन भी वैसे ही है, सो दे आर द सेम। सॉरी देखो ये मैंने हर सीजन में सुना है, फॉलो मैं सबसे पहले यही वाला सीजन कर रही हूँ इतने अच्छे से, लेकिन मैंने सुना है जो विनर्स होते हैं उनको टारगेट सबसे ज्यादा किया जाता है। कनिका जी आपका भी कई हद तक नाम आया था कि इस साल आप जाने वाले थे बिग बॉस में, क्या कुछ हुआ या फिर नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर रहे हो बिग बॉस में? मैंने बोला था बिग बॉस ऐसा घर है जहाँ पे आप जाते भी जनता की मर्जी से हो, वहाँ से आते भी जनता की मर्जी से हो, तो जब पूरी जनता चाहेगी कि मैं चली जाऊँ उसमें चली जाऊँ। अनफॉर्चुनेट नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे पता चला कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बाहर, तो लेट हिम कंप्लीट दैट एंड ऑफ कोर्स कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमको ऐसे मोमेंट पे मिल जाती है, तो वो करके वो वापस आ ही जाएंगे सबके फेवरेट। टीना और शाली के रिलेशन के साथ इज इट पे फॉर द गेम? देखो वो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको देख के अच्छा लग रहा है, इसका मतलब जब प्लेइंग गुड गेम अगर असली है तो फिर तो मतलब है ही नाइस, गुड फॉर देम। थैंक यू सो मच, चलो।